अस्सलाम वालेकुम। बिरसा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यू सेमेस्टर की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें इनरोलमेंट करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और टाइमली अपने न्यू सेमेस्टर में जो कि रेगुलर होगा उसमें इनरोल कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें समर सेमेस्टर की पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ, कौन इसमें एलिजिबल है, ये तमाम डिटेल्स हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले आपने जो है समर सेमेस्टर के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो ये कि जो समर सेमेस्टर है वो एक ऑप्शनल सेमेस्टर है, ठीक है। ये आपके रेगुलर सेमेस्टर की तरह नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट इसमें इनरोलमेंट ना भी करना चाहे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो ना नहीं भी कर सकता। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है जो कि जिनके लिए जो है अपना लास्ट सेमेस्टर है उनका, या उनके जो है वो एडवांस कोर्सेज़ हैं और उनको जो है एक न्यू सेमेस्टर लगाना पड़ रहा है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका VU001 सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, उन सिर्फ एक सेमेस्टर की वजह से उनका पूरा जो है उनको एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा सेमेस्टर लगाना पड़ता है, तो वो सिर्फ इसी सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट चूज़ करके, या प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें इनरोल करके अपने रेगुलरली अपने जो है सब्जेक्ट्स को वो पढ़ सकते हैं। इसके जो ड्यूरेशन होगा वो 9 वीक्स होगा, लाइक सवा 2 महीने से कम होगा, 2 महीने और 1 हफ़्ता, ठीक है, लाइक 9 मंथ्स होगा। उसके बाद में फ़ीस जो है वो पर क्रेडिटोर के लिहाज से चार्ज की जाएगी। और आप एक बात याद रखें कि रेगुलर सेमेस्टर में चूँकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, इसमें टाइम कम होगा, पर आपके लेक्चर्स पूरे आपको सुनने होंगे और आपके पूरे जो है सेमेस्टर की तरफ पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो इनके जो कॉन्टेक्ट और होंगे वो वीक में वो थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है, मतलब आपके लेक्चर्स जो हैं पहले 3 अपलोड होते हैं तो इसमें आपके ज़्यादा होंगे। फिर आपके जो भी आपकी एकेडमिक और असेसमेंट एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, लाइक आपको तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें क्विज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, GDP है, सब कुछ आपको प्रॉपरली ही करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये सेमेस्टर थोड़े ड्यूरेशन का है तो इसमें आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, प्रॉपरली आपको सारा कुछ इसमें अटैम्प्ट करना पड़ेगा। फिर आपके एक और चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इनरोल करेगा कौन इसके लिए एलिजिबल है, जिसने कम से कम एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में लगाया हो। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर के कम से कम आपका एक सेमेस्टर लगा होना चाहिए, उसमें आपका रिज़ल्ट आया होना चाहिए कि आपका जो है कोई रिपीट करने वाला सब्जेक्ट है या कोई उसमें फ़ेल है या कोई भी आपका ग्रेड इम्प्रूव करना है, वो सब्जेक्ट आपको उसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेमेस्टर आपको क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो फेल कोर्सेज ले सकें, ठीक है, या फिर वो रिपीट कर सकें अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात ये आती है कि इस सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट अभी आया नहीं तो कैसे पता लगेगा कि वो फेल है, लाइक उसमें आप जो प्रीवियस आपका कोई अगर आपका कोर्स रह गया है या इस सेमेस्टर में आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर है इसमें कोई आपके मिड टर्म आपने नहीं दिए, उसकी आप डेट नहीं बना सके, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट रह गया या आपने कोई लेक्चर अटेंड पूरे नहीं किए, तो उनको फिर आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लैब और प्रैक्टिकम कोर्सेज जो हैं वो आपके रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, पूरे समर सेमेस्टर में प्रॉपर आपने उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, प्रॉपर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताई जा रही है कि जो स्टूडेंट है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स को वो चूज़ कर सकता है, लाइक वो 2 थ्योरी कोर्सेज को चूज़ करेगा, 1 लैब कोर्सेज को चूज़ करेगा। ज़रूरी नहीं है कि अब आपने इसी के ऊपर चलना है, अगर आपका 1 थ्योरी कोर्स है तो अकेले आप 1 थ्योरी के कोर्स को कर सकते हैं, लाइक मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर है और 8 क्रेडिट आवर को आपने पूरा करना है। अब मिसाल तौर पर किसी का इस्लामियत वाला सब्जेक्ट रह गया है ISL 201 या 202, ठीक है, तो वो उसके 2 क्रेडिट आवर होते हैं तो वो उसको भी चूज़ कर सकता है, लाइक वो 3 सब्जेक्ट ऐसे कर सकता है। फिर आपने बताना है कि स्टूडेंट जो है वो एडवांस कोर्सेज में जो नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं उनमें इनरोल नहीं कर सकते, जब क्योंकि अगर पर एक शर्त है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जहाँ पे आपका लास्ट सेमेस्टर हो, आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम हो, डिग्री कंप्लीट करनी हो और उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन डिग्री का पूरा हो रहा हो, लाइक आपके 2 ईयर की डिग्री थी उसको मैक्सिमम 4 साल हो गए हैं और आपका लास्ट सेमेस्टर है, ग्रेस पीरियड है आपका, तो फिर आप इसमें इनरोल करके अपना जो है वो कर सकते हैं कम्प्लीट। पर ये आपकी कमेटी की तरफ से आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी फिर आप कर सकते हैं। मिड और आपके फाइनल टर्म जो है एग्जामिनेशन वो समर सेमेस्टर में प्रॉपरली कंडक्ट होंगे,
ठीक है, ये नहीं है कि आपकी सिर्फ मिड होंगे या फाइनल होंगे, और यूनिवर्सिटी जो है इसके पास राइट है कि वो कोई भी चीज़ चेंज कर सकती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, ठीक है, कोर्स इनरोलमेंट आपकी जो ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं वो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक है। आपकी क्लासेस जो हैं वो 12 अगस्त से स्टार्ट होंगी। आपकी जो फ़ी वोचर है वो 13 अगस्त से हो गए जनरेट, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 20 अगस्त होगी। मिड समर एग्ज़ामिनेशन जो आपके होंगे वो होंगे आपके 4 सितंबर से, और फाइनल जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपके 7 अक्टूबर से होंगे, और रिज़ल्ट जो इसका आपका 15 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा। लाइक आप 2 से 3 सब्जेक्ट इनको रिपीट कर सकते हैं, या जिनके 2 या 3 या 1 रह गया सब्जेक्ट वो इसको में इनरोल करके अपना पूरा नेक्स्ट सेमेस्टर बचा सकते हैं। ये एक ऑप्शनल सेमेस्टर है। आपकी कोर्स सिलेक्शन को ओपन कर दिया गया है, और अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको कोर्स सिलेक्शन के लिए कोई मशवरा करना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपने LMS हैंडल करवाना हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझसे इंफॉर्मेशन या उसको करवा सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।